पिछले चैप्टर में हमने मेनू बना लिया था, कॉन्टेक्स्ट मेनू, जावा के अंदर पॉपअप मेनू होता है, तो ऑब्जेक्ट बना लिया था हमने इतना तक। हमें आज क्या करना है कि हमें डिलीट रिकॉर्ड का काम करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आता हूँ और जे मेनू, जे मेनू आइटम, इसको कर देता हूँ पब्लिक। क्या है, इधर पब्लिक कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट करूंगा। जे मेनू आइटम का मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, एड स्टूडेंट, ये पहले से ऊपर बना हुआ है तो मैं न्यू स्टूडेंट कर देता हूँ, कॉमा डिलीट डिलीट स्टूडेंट कॉमा अपडेट स्टूडेंट, संकलन, और बस मैं ऊपर आता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आके पेस्ट करूंगा और इसको मैं कट करूंगा और यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे करके न्यू कर दूंगा, ऐसे इस तरह से। अब इस तरह से मैं कर दूंगा, इसको भी मैं कट करूंगा यहाँ से डिलीट वाला, और इसको मैं डिलीट में इक्वल के बाद न्यू का साइन ऐसे कर दूंगा इस तरह से। हमें जरूरत के अनुसार अपने कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो मुझे इस पे अभी एक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए मैं इस तरह से कोड लिख रहा हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड स्टूडेंट है, मैं डिलीट स्टूडेंट पे अभी एक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ, तो मैं डिलीट स्टूडेंट को मैं ऐड एक्शन लिसनर में भी कॉल कर दूँगा, डॉट ऐड एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर में मैं एल डाल देता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट का क्या है, डिलीट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आऊँगा, एक्शन परफॉर्म्ड में कुछ लिखा नहीं है, खाली न्यू स्टूडेंट है, तो मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ और स्विच कर देता हूँ मैं, स्विच केस, यहाँ पे ई डॉट गेट एक्शन कमांड कर दूंगा मैं, और ब्रेक यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा केस डबल कोट में ऐसे, फिर कॉलन एंड नीचे आया, डिलीट मारता हूँ थोड़े देर के लिए इसको, और फिर मैं यहाँ पे डिलीट का कोड लिख दूंगा, डिलीट COD, डिलीट का कोड। अब न्यू स्टूडेंट को मैंने कॉल किया है यहाँ पे, तो इसके लिए भी मुझे, और अब डिलीट ऐड न्यू स्टूडेंट, ये है ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट का मैं कहीं तो कहीं ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ये है ऐड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे एक्शन कमांड में ये लिख दूंगा। अब डिलीट स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ वाला कोड चलेगा, डिलीट, मैं यहाँ तक लिखता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, एग्जाम का कंट्रोल पैनल चालू करूँगा मैं, स्टार्ट, मैनेज स्टूडेंट, राइट क्लिक, रन,
रन जावा एप्लीकेशन कर दिया, अब रन हो जाएगा कोड हमारा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक डिलीट स्टूडेंट पे क्लिक किया। अब देखते हैं, देखो कंसोल में आ गया डिलीट स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैं लिसनर में आता हूँ और हमें क्या करना है, देखो ये जो पूरा जे टेबल आपको दिख रहा है, ये इसको आप एक एरे के फॉर्म में देखो। जैसे आप मल्टी डाइमेंशन एरे आपने पढ़ा था, तो इस जे टेबल को आप एक एरे के फॉर्म में देखो। जैसे मान लो हमें इस कॉलम में, सॉरी ये जो बीपति भूपति लिखना था, मैंने बीपति फादर, खैर फेक डेटा है उसमें कुछ वो नहीं है। जैसे मान लो ये मेरे को डेटा चाहिए, तो 0 1 2 ये दूसरा रो कहलाएगा और 0 1 2 दूसरा ही कॉलम, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम एक्सेस करेंगे हम जे टेबल का, तो ये वाला रिकॉर्ड मिलेगा हमें। ठीक उसी तरह से बाल रूप वाला डेटा हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी 0 1 2, तो 2 रो चाहिए और 0 1 1 कॉलम चाहिए। इस तरह से हम इसका डेटा ले पाएंगे, मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ आपको। चलिए तो यहाँ पे मैं डिलीट ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट ऐसे करूँगा मैं। अभी मेथड तो है नहीं, यहाँ पे मैं माउस लाऊंगा और क्रिएट मेथड पे क्लिक करूँगा और मेथड ये देखो नीचे अपने आप जनरेट हो गया। अब यहीं पे हमें कोड लिखना है। अब आप देखो इधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज लिखूँगा, तो मैनेज स्टूडेंट आ गया। मैनेज स्टूडेंट ऊपर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो मैनेज स्टूडेंट डॉट टेबल, टेबल डॉट टेबल कौन सा है, टेबल आप समझ पा रहे हो कौन सा है, ये टेबल का मतलब है जे टेबल, जो हमने जे टेबल बनाया हुआ है कहाँ पे, तो फ्रेम में जो डेटा दिखाने के लिए जे टेबल हमने बनाया है वही है। टेबल में मेथड है गेट है वैल्यू, ये देखो गेट वैल्यू 8 है, यहाँ पे इंट में रो मांग रहा है फिर कॉलम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, रो और कॉलम मांगता है, तो मेरे को कौन सा डेटा चाहिए, दूसरे का पहला डेटा चाहिए, दूसरे का पहला, ध्यान रखना आप दूसरे का पहला। अब दूसरे का पहला में कौन सा डेटा आएगा मैं दिखाता हूँ आपको, अब देखो दूसरा रो है, तो पहला रो दूसरा, सॉरी 0 नंबर रो, फर्स्ट नंबर रो, सेकंड नंबर रो, तो ये दूसरा है, और पहला कॉलम, तो 0 नंबर कॉलम, सेकंड नंबर कॉलम, तो ये बाल रूप आ जाना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कर दूंगा डिलीट पे क्लिक, तो बाल रूप कंसोल में प्रिंट होनी चाहिए, तो आप देख लो बाल रूप यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से हम काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको बंद करता हूँ मैं पहले, मैं आता हूँ लिसनर में। अब यहाँ पे देखो हमें रो कैसे प्राप्त करना है, तो इसको बैक करो, यहाँ पे लाना है हमें रो, यहाँ पे रो लिखना है हमें, तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा int row रो इक्वल टू जे टेबल, टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो, सिलेक्टेड रो, रो में देखो आप int रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये देखो क्लिक किया मैं इसको। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा और ये सोपी में थोड़ी देर के लिए रो को प्रिंट में करता हूँ, row, इसको कमेंट करता हूँ। चीज मैं बार बार रन करके प्रिंट करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है आपको पूरी क्लियर हो, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है पर कोई बात नहीं। विंडोज राइट एरो दबा के इधर मैं शिफ्ट किया, आप देखो इस पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक डिलीट, 0 आ गया, ये 0 नंबर रो है, ये कौन सा नंबर है, 2 नंबर रो है, तो डिलीट बटन पर क्लिक किया तो रो नंबर 2 आ गया। फिर यहाँ राइट क्लिक करूंगा डिलीट पे करूंगा तो रो नंबर फर्स्ट,
इस पे करूँगा तो ये तीसरा रो आएगा, तो देखो तीसरा रो आ रहा है, तो यही मीनिंग है इसका, अब देखो रो तो प्रिंट हो जा रहा है, तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, रो ले लिया हमने, अब कॉलम कौन सा चाहिए हमें, तो हमें स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे हमें डेटा डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी किस किस नंबर कॉलम पे है, 0 नंबर कॉलम पे है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा और यहाँ पे इंट स्टूडेंट आईडी ऐसे, अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे आप माउस ले जाओ तो ये कह रहा है जी टाइप कास्ट करो, क्योंकि टाइप मिस मैच कांट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट, मतलब ये कि गेट वैल्यू जो है ये मेथड जो ऑब्जेक्ट देता है, लेकिन हम तो वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, तो हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, कैसे, बहुत आसान, इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये देखो पार्सेंट आ गया, अब मैं इसी पे ऐसे कर लूँगा, ऐसे जाओ पार्स हो गया, अब हमें क्या मिल गया, ये स्टूडेंट आईडी मिल गया, इसमें क्या मिलेगा, स्टूडेंट आईडी मिलेगा, ये कह रहा जी हम स्ट्रिंग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गेट वैल्यू हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को फिर कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर में, अब आप देखना यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, स्टूडेंट आईडी अब हमको मिल जाएगा, राइट क्लिक रन, विंडोज राइट एरो, अब देखो 8 नंबर आईडी हमें मिलना चाहिए, तो 8 नंबर आईडी मिल गया, यहाँ पे आऊँगा 9 नंबर आईडी मिलना चाहिए, तो 9 नंबर आईडी मिल गया, कुछ और भी प्रिंट हो जा रहा है इसके बगल में, तो रो को हमने प्रिंट कर दिया है, तो वो पहले रो को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी प्रिंट कर रहा है, तो ये 9 स्टूडेंट आईडी था वही प्रिंट कर दिया, चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको हटाइए, अब मैं चाहता तो क्या कर सकता था, इसको सीधा पास करता कर सकता था रो के जगह पे, सीधा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी, सीधा काय के लिए 4 बाइट कंज्यूम करने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी ठीक, चलो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ का कंडीशन लगाऊंगा, इफ न्यू स्टूडेंट डाओ डॉट डिलीट, डिलीट मेथड को मैं क्या दे दूंगा, आईडी, ऐसे किया, अब इसको मैंने आईडी यहां पे दे दिया, अब यहां पे मैं मैसेज प्रिंट करूंगा, MESS यूटिलिटी डॉट मैसेज में सक्सेस, तो इसमें मैं क्या करूंगा, हमारा पेरेंट कंपोनेंट मैनेज स्टूडेंट होना चाहिए, टाइटल में क्या होना चाहिए, सक्सेस, SUCC सक्सेस, सक्सेस पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत, अब देखना आप, डिलीट रिकॉर्ड SU सक्सेस, यहाँ हमने ये मैसेज दे देना है, और फिर मैं एल्स में जाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस की तो कोई जरूरत नहीं है, गायब, यहाँ पे आके यही मैसेज दे दूंगा, डिलीट रिकॉर्ड अनसक्सेस, अन सक्सेस कर दूंगा, और यहाँ पे एरर कर दूंगा, ये आर 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 आर, और यहाँ पे सक्सेस मैसेज की जगह पे ERR एरर मैसेज, अब रही बात कि इस डिलीट मेथड जो है ना वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसीलिए मैंने इसको इफ के अंदर ही डाल दिया है, यदि डिलीट स्टूडेंट जो मेथड है यदि ट्रू रिटर्न करेगा ये, तो ये वाला चल जाएगा सक्सेस वाला, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा इफ के अंदर और आ जाएगा एरर, अब मैं एरर बता रहा है डिलीट का मैसेज, क्योंकि डिलीट जो है स्टूडेंट डिलीट नाम का मेथड स्टूडेंट डॉ के अंदर बनाना ही है,
यहाँ पे मैं माउस ले जाऊँगा, क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा और बन जाएगा। देखो स्टूडेंट डाव अपने आप ओपन होगा और यहाँ पे क्रिएट मेथड बन के रेडी हो गया। यदि आपका अपने आप क्रिएट नहीं होता तो आप मैनुअली यहाँ पे ऐसे लिखो और मैनुअली खोलो स्टूडेंट डाव इधर से ओपन करके, मैनुअली खोलो और लास्ट में आ करके यहाँ पे लिख दो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ये वाला लाइन यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, यहाँ के पेस्ट किया मैं सीधा सीधा, और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट PS है। अब PS इक्वल टू CONN डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि जी हमें SQL का क्वेरी बताओ, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिलीट फ्रॉम ए स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट ही है, हाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स है, तो मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID, ID यूनिक है तो ID इक्वल टू ऐसे। अब ये बोल रहा है जी, तो यहाँ पे ट्राई सराउंड कैच पे क्लिक कर देंगे, अपने आप ट्राई कैच ब्लॉक लग गया। अब मैं आऊँगा यहाँ से एंटर दबाऊँगा और फिर ps.setInt स्टूडेंट ID यहाँ पे पास कर दूंगा, हो गया काम। और फिर ps.execute अपडेट मेथड है ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का, यहाँ पे बताएगा आपको ये कि इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना चाहिए, हमने मेथड यूज कर दिया। अब ये यदि रिटर्न कर देता है क्या, यदि ये रिटर्न करता है इक्वल इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ऐसे आप कर सकते हो। और आखिरी में रिटर्न फॉल्स किया है कि मान लो कुछ एक्सेप्शन आती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कैच चलेगा और फिर लास्ट में आकर के हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यहाँ तक मान लीजिए कोड पहुँच ही नहीं पाया, ऊपर ही एरर आ गया तो कैच चलेगा, हमने कैच में कुछ लिखा नहीं है, सीधा आखिरी में आके रिटर्न पास कर दिया मैंने। चलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट को अब डिलीट करके देखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ सब कुछ ठीक है बाकी। चलो यहाँ पे मैंने जो इस तरह से कोड लिखा है आप टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं बाकी जगह किया हूँ, कुछ जगह पे मैं किया होऊंगा, जैसे मैं दिखा दूँ आपको डाओ आता हूँ मैं ऊपर कहीं, तो कहीं मैं किया हूँ, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा लेकिन, तो आप लिखो, मेरा मकसद तो बताना है खाली इस तरह से कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कोड लिखेंगे। चलिए मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट 8080 PHP माई एडमिन, खुल जाए भाई जल्दी से। GRDC के अंदर मैं आऊँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैनेज स्टूडेंट पे जाता हूँ, राइट क्लिक रन कर देता हूँ, ये देखो आ चुका है यहाँ पे, आप देख लो फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड यहीं पे है। मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ, इतना लेट क्यों लगा रहा है, फालतू तो इस पे क्लिक हो गया और खुल गया ये। फिर से ब्राउज पे मैं क्लिक करूँगा, ये देख लो इतना रिकॉर्ड भी आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ
और इसी पे राइट क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ डिलीट, और ये कह रहा है डिलीट एरर अनसक्सेसफुल। कुछ तो कुछ समस्या है इसको, क्या समस्या है देखते हैं। आउट ऑफ द रेंज ऑफ 0 पैरामीटर, पैरामीटर तो हमने पास किया है, इसको क्या समस्या आ रहा है। पीएस डॉट सेट इंट, पहला चाहिए पैरामीटर का इंडेक्स, तो मैंने यही गलत किया है। यहाँ पे मुझे 1 लिखना चाहिए, कॉमा देना चाहिए, और सेकंड पैरामीटर आईडी होना चाहिए, वैल्यू यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स देना चाहिए। मैं इतना बड़ा भूल आखिर कर कैसे सकता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सेव किया, मैं फिर से आता हूँ डेटाबेस में और मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिलीट नहीं हुआ होगा अभी, तो आप ये देख लो डिलीट नहीं हुआ है। ये देखो राइट क्लिक, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट हो गया सक्सेस, इस पे करूँगा मैं ओके। अब आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एक रिकॉर्ड ले आ चुका है। अब आप कहें कि यहाँ का रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट हुआ, तो जिस तरह से सेव करते समय हम सेव बटन पे यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके और सेव बटन पे क्लिक करते थे, तो ये यहाँ पे नहीं रिलोड होता था, क्योंकि हमने ये बटन विंडो के क्लोज होने पे यहाँ पे डेटा रिलोड नहीं किया था डेटाबेस से, इसीलिए नहीं आ रहा था। ठीक उसी तरह से हम डेटाबेस से डेटा तो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन डिलीट किया हुआ डेटा डेटाबेस से फिर से हम डेटा नहीं दिखा रहे हैं, तो जो पहले से मेमोरी में मतलब लिस्ट में मौजूद है डेटा वो दिखा रहा है यहाँ पे। हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। तो चलते हैं हम यहाँ पे आता हूँ, हमें क्या करना है, सक्सेस में ही डेटा को रिलोड कर देना चाहिए, पर मैं लेटर ऑन करूँगा। एक काम मैं और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे कंफर्म बॉक्स देना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंफर्म का एक पॉपअप भी ओपन कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, जे ऑप्शन पेन ले लेंगे, इसमें डॉट शो करेंगे, शो में करेंगे कंफर्म, डायलॉग बॉक्स शो करना है हमें। अब पेरेंट कंपोनेंट पूछ रहा है, तो मैं मैनेज स्टूडेंट रहने देता हूँ। ये कह रहा है मैसेज क्या देना है, तो यहाँ पे मैसेज के रूप में मैं दे दूंगा आर यू श्योर, आर यू, अच्छा ये नहीं, श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड, क्या आप श्योर हैं डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डिलीट रिकॉर्ड, ये मैसेज का टाइटल होता है डिलीट रिकॉर्ड, ये मैसेज के टाइटल में शो हो जाए। मैसेज के टाइटल में होने के बाद ये ऑप्शन पेन डॉट, मुझे कंफर्म का चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे यस नो ऑप्शन लूँगा, ए नम है, यस नो ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर कॉमा दूंगा अगला पैरामीटर में, और यहाँ पे दे दूंगा जे ओ पी, ये वार्निंग मैसेज है तो मैं डॉट वार्निंग कर दूंगा, वार्निंग मैसेज दे दूँ, फिर कॉमा, हम चाहें तो आइकन भी दे सकते हैं, तो न्यू इमेज आइकन, और इमेज आइकन के अंदर आई कंस डॉट मैं डिलीट आइकन दे दूंगा, एरर आइकन। इतना पूरा हो गया मेरा काम, आप इसको चाहें तो यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ से दबाता हूँ मैं एंटर, और फटना, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से भी मैं एंटर मारता हूँ, इसको कर दूंगा ऐसे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कोड लिखा है। यहाँ पे मैं इंट करूँगा और फिर लिख दूंगा कन्फर्म इक्वल टू, ऐसा इस तरह से मैंने किया। अब मैं क्या करूँगा, इधर से आऊँगा नीचे, यहाँ पे कर दूँगा इफ कन्फर्म, ऐसे होता है जी। अब कन्फर्म में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल और जे ऑप्शन, जे ऑप्शन पेन डॉट एस ऑप्शन चाहिए मेरे को, तो एस ऑप्शन मैं लिख ही लेता हूँ भाई, एस ऑप्शन, यदि एस ऑप्शन पे क्लिक हुआ है तो क्या करो,
ये वाला कोड चलाओ, यहाँ पे मैं आके ऐसे कर दूंगा। यदि ये इस ऑप्शन में क्लिक हुआ है तो ये वाला कोड चलाओ, और इस पे क्लिक नहीं हुआ है तो कुछ मत करो। सेव करता हूँ मैं, और फिर से आता हूँ, राइट क्लिक, रन प्रोग्राम, ये आ गया। अब अमित पे आता हूँ मैं, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, पूछ रहा है यस नो, मैं नो पे क्लिक कर दिया। फिर मैं ये देखो क्लोज कर दिया, और फिर मैं सेव रन करूँगा, ये देख लो डेटा नहीं डिलीट हुआ है। लेकिन अभी मैं आऊँगा, डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, डेटा सक्सेसफुल डिलीट हो गया। इसको मैं बंद करूँगा और फिर से राइट क्लिक करके रन कर दूँगा, तो अभी डेटाबेस से डेटा उठेगा और आएगा यहाँ पे, और देखो दो रिकॉर्ड बचा है। तो इस तरह से काम हमारा डिलीट का सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। चलिए, गुड नाइट।